हेलो एवरीवन, दिस इज अस्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जिनके पास उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, या तो आपने खो दिया या फिर अब तक आपने प्रिंटआउट नहीं लिया। किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंटआउट दोबारा निकाल सकते हैं PPU की वेबसाइट से, उसी चीज़ को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, रजिस्ट्रेशन स्लिप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, अपना एडमिशन फॉर्म भरते हो, मतलब सेकंड ईयर में हो और थर्ड ईयर का एडमिशन फॉर्म भर रहे हो, या फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर का एडमिशन फॉर्म भरोगे, तो वैसी स्थिति में, या फिर जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे वैसी स्थिति में, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप की डिटेल्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो आपको मैच करनी पड़ती है, और उसी से आप अपने फॉर्म को भरते हो। इसलिए रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपके पास होना अति आवश्यक है। किसी भी कारणवश यदि आपने खो दिया या फिर आपने प्रिंटआउट नहीं निकाला था, तो दोबारा आप उसको किस प्रकार से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कई सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल वाला। इस ऑप्शन के ऊपर आपको आधे ही क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन और दिख जाएंगे। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे सबसे एक ऑप्शन आ रहा होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप UG PG एंड BEd। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐसे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप के आपके लिए आपको एक ऑप्शन यहाँ ऊपर में भी दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर UG PG सेशन 2021 इज लाइव। तो 2021 वाले सेशन के जितने बच्चे वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, अन्यथा जितने भी बच्चे होंगे बाकी उन सभी को नीचे वाले सेक्शन में ही चेक करना होगा। इनकेस अगर आप डायरेक्ट इसमें भी चेक करोगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। सो इस सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको एक नया वेब पेज मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। इसको मैं आपको डेस्कटॉप फोन में कर देता हूँ, वैसे मुझे उम्मीद है कि ये क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको तीन चार चीज़ें भरनी पड़ती है। सबसे पहले आपका जो टाइप ऑफ सर्च होगा वो कौन सा होगा, एडमिशन लॉगिन और URN नंबर का मतलब होता है जो आपके पास 21G या फिर 20G करके या फिर 19J करके जो नंबर था, उस नंबर को पूरा का पूरा, ना सफिक्स हटाए ना जीरो हटाए, सब पूरा का पूरा आपको भरना होगा, ठीक है। अगर इनकेस आपके पास फॉर्म नंबर है, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के पास होगा क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह तो रखते हो नहीं, तभी आपको ये वीडियो देखने की नौबत आई है। अगर आपके पास फिर भी फॉर्म नंबर है तो आप फॉर्म नंबर यहाँ डाल करके अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। बेटर रहेगा कि आप 21G या फिर 20G या फिर 19J या जी जो वाला आपके पास नंबर हो आप उसको भरेंगे यहाँ पे। उसको भरने के लिए एडमिशन लॉगिन वाला URN नंबर वाला जो ये ऑप्शन है उसके ऊपर चेक रहने देना, ठीक है। उसके बाद नीचे एक सेक्शन है सर्च टेक्स्ट, इसमें आपको अपना नंबर भरना है 21G वाला। और लास्ट में जो आपका ये सेक्शन आ रहा है डेट ऑफ बर्थ वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो, इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना, ध्यान रखना, सबसे पहले ईयर चूज़ कर लेना। ईयर नहीं चूज़ करोगे, मान लो किसी का जो ईयर है बर्थ ईयर है वो सेप्टेम्बर है, और मैं सबसे पहले सेप्टेम्बर चूज़ करने की कोशिश करूँ, तो आपको यहाँ सेप्टेम्बर दिखेगा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि 2009 का जो ऑप्शन 2009 वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है, उसमें सेप्टेम्बर के बाद वाले बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा सकता होगा किसी कारण, जो भी होगा ऑप्शन है। सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज़ कर लेना है, ठीक है। मान के चलो किसी का ईयर है 2000, ओके। उसके बाद आप अपना मंथ वाले सेक्शन में जाकर के जो भी आपका मंथ होगा वो सेलेक्ट कर लेना, डेट सेलेक्ट कर लेना, उसके कैप्चा कोड भर के सर्च पे क्लिक करना, ठीक है। सर्च पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट किस प्रकार से आपका आने वाला रजिस्ट्रेशन स्लिप। सो जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, और इसको आप ऊपर से वाले सेक्शन पे प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप इसके ऊपर क्लिक करके अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो या फिर डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने रजिस्ट्रेशन स्लिप को दोबारा प्राप्त कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, मैं जितना हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत है तो ज़रूर भेजिए, और अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना। सो ये था पूरा प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप दोबारा प्रिंट करने का। इसके अतिरिक्त पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है आपके एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स मिलते रहे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।